Hey guys, I'm Pooja Kohar, मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि NMDC यानी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद से आउट की गई है। कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा, इन द लास्ट सिलेबस में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने NMDC लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें आपको करियर सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर 4 फरवरी 2022 को जारी किया गया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04/2022 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस वर्कमैन ग्रेड पोस्ट इन डोमिनलाई कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी। वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये 8 पेज की पीडीएफ फाइल है, 3 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज एंड स्टाइपेंड, सैलरी, एवरीथिंग काफ़ी डिटेल्स में दी गई हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की ट्रेनी में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 17 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 11 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास मांगा गया है, NITI मांगा गया है। इसकी सैलरी 18,100 से लेकर 31,850 है। एंड अदर पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट की मैकेनिकल ट्रेनी के लिए। यहाँ पर विभिन्न ट्रेड में है वैकेंसी। सबसे पहले बात करते हैं फिटिंग ट्रेड में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 है, ओबीसी एनसीएल में 8 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिटिंग ट्रेड में 30 है। नेक्स्ट ट्रेड आपका वेल्डिंग है। वेल्डिंग में अनरिजर्व में 6 है, ओबीसी एनसीएल में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। एंड अदर ट्रेड आपका डीजल मैकेनिक में है। यहाँ पर आपकी अनरिजर्व में 15 है, ओबीसी एनसीएल में 10 है, एससी में 6 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है। अदर ट्रेड है मशीनिस्ट की। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है, ओबीसी एनसीएल में 1 है, एससी में भी 1 है, एसटी में भी 1 है, ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट ट्रेड है आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, ओबीसी एनसीएल में 1 है, जबकि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ITI मांगा गया है आपके संबंधित ट्रेड में, इसमें वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आपका ITI डिग्री मांगी गई है। इसकी सैलरी 18,700 से लेकर 32,940 है। नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट की इलेक्ट्रिकल में, और ट्रेनिंग में ही है ये वैकेंसी। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 13 है, ओबीसी एनसीएल में 10 है, एससी में 6 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ITI मांगा गया है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, एंड सैलरी यहाँ पर 18,700 लेकर 32,940 है। एंड अदर कोर्स है MCO ग्रेड से थर्ड में, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए है ये। अनरिजर्व में 2 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल में 1 है, एससी में 1 है, एसटी ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। एंड अदर पोस्ट है HEM मैकेनिक की ग्रेड थर्ड में ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर अनरिजर्व में 4 है, ओबीसी एनसीएल में 3 है,
एससी में 1 है, एसटी में भी 1 है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। एमसीओ ग्रेड 3 एंड एचएमई मैकेनिक ग्रेड 3 की एलिजिबिलिटी सेम है, जिसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल में। एंड अदर पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 में, ये भी ट्रेनिंग में ही है। यहाँ पर भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में भी 1 है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी है, उन्हें ओनली ट्रेड का अंतर है। 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड यहाँ पर भी कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल में। एंड एमसीओ ग्रेड 3, एचएमई मैकेनिक ग्रेड 3, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 तीनों की सैलरी सेम ही 19,900 से लेकर 35,040 है। नेक्स्ट पोस्ट है ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनिंग में ही है। यहाँ पर ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है मैट्रिक यानी 10th पास, ITI with blaster या mining made certificate and faucet certificate होना चाहिए। साथ ही 3 साल का post qualification experience भी मांगा गया है blasting operation में। QCA next post है, QCA grade 3 में training में ही है। यहाँ पर unreserved category के लिए 4 vacancy, OBC NCL में 3 है, SC के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 है, total number of vacancy 9 है। यहाँ की eligibility जो मांगी गई है इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी मांगा गया है केमिस्ट्री जियोलॉजी में, साथ ही 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है सैंपलिंग वर्क में। दोनों पोस्ट की सैलरी सेम है 19,900 से लेकर 35,040 है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहां पर फॉलो होगी। एंड अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 मार्च 2022 है, जबकि 10 फरवरी 2022 से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अप्लाई फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 150 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर कोई भी फीस नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां पर दिया गया है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा एंड करियर सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पर लिंक मिल जाएगी। द लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विल बी अवेलेबल ऑन 10 फरवरी 2022 यानी कि 10 बजे से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू वेबसाइट को विजिट करते रहिए। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड फिजिकल एबिलिटी के बेस पर रहने वाला है। ट्रेड टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें से आपका अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग नेचर है, जबकि ओबीसी एनसीएल के लिए 37% डिसाइड किया गया है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर 30% मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर में रहने वाला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज आपको उतने परसेंट मार्क्स अचीव करने जरूरी है तभी आप फिजिकल एबिलिटी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये भी शर्त रखी है कि अगर कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होता है तो उन्हें मेरिट लिस्ट के लिए अमान्य माना जाएगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपके रिटन टेस्ट में एंड इन्होंने भी कुछ मार्क्स डिसाइड किए हैं रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स हो गए, ओबीसी एनसीएल के लिए 45 मार्क्स हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मार्क्स आपके यहाँ पर मिनिमम मार्क्स अचीव करने जरूरी हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल नॉलेज से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट लेवल में आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा एंड सेकेंड लेवल में आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि फील्ड अटेंडेंट में किसी भी तरह का ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ओनली फिजिकल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल में, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में एमसीओ ग्रेड 3, एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3, ब्लास्टर ग्रेड 2 एंड क्यूसीए ग्रेड 3 की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी रहेगी।
यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स से संबंधित जो भी आपका करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट सेकेंड में आपका एज इट इज जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एरेंजिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड दोनों को मिलाकर यहाँ पर मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट लेवल में आपका रिटन टेस्ट ही एंड सेकेंड लेवल में आपका ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा। यानी कि जिस वैकेंसी के बारे में मैंने बात की है उस वैकेंसी में आपका किसी भी तरह का फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।